ऑगी एंड द कॉकरोचेस। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं ऑगी और ऑली टिकनिक बनाने के लिए एक सुनसान जगह पर आए होते हैं और वो दोनों वहाँ पहुँच के तैयारी करने लगते हैं और टिकनिक बनाने लगते हैं। ऑगी और ऑली की टिकनिक काफी ज्यादा अच्छी गुजर रही थी, जिसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी अनशांति फैलाने आ जाते हैं कॉकरोच, और कॉकरोच देखते हैं एक पानी का टैंक रखा है और एक पेट्रोल का, और वो दोनों के स्टिकर बदल डालते हैं। तभी ऑगी को मिर्च लगती है, ऑगी पानी पीने आता है और ऑगी पानी की जगह पेट्रोल पी लेता है, जिसके बाद कॉकरोच आग जला देते हैं और ऑगी वहीं फूक जाता है। ऑगी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, ऑगी जल चुका था इसलिए कॉकरोचों का पीछा करने लग जाता है और ऑली उसकी फोटो खींचती है, जिसके बाद ऑगी जंगल में नहाने के लिए एक बाथरूम बनाता है और उसमें नहाने लगता है आराम से। तभी कॉकरोच कैंची से उसके बाथरूम को काट देते हैं, जिससे ऑगी की इज्जत का कचरा हो जाता है और ऑली हंसने लगती है। जिसके बाद शाम का वक्त था और मौसम काफी ज्यादा अच्छा था और ऑगी ऑली आराम से बैठ रहे होते हैं और सनसेट का मजा ले रहे होते हैं। वो सूरज को डूबते हुए देख रहे होते हैं और वहीं कॉकरोच अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, वो ऑगी को परेशान करने लगते हैं, जिसके बाद ऑगी उनका पीछा करने लग जाता है। लेकिन कॉकरोच पेड़ पे चढ़ जाते हैं और ऑगी पेड़ को हिलाता है और कॉकरोच नीचे गिरते हैं और कॉकरोच को ऑगी मारने वाला होता है, लेकिन तभी ऑली उसे रोक देती है, ऐसा करने से मना करती है, जिसके बाद ऑगी उन्हें वहीं पेड़ पर बांध देता है और वो दोनों आराम से एंजॉय करने लग जाते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे, बिल्ला और बिल्ली। जिसके अगले दिन एंट्री होती है बॉब की, और बॉब एक बहुत बड़ी वैन लेके आया था और ऑगी की छोटी वैन में टक्कर मारता है, जिससे ऑगी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ऑगी उससे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन बॉब वैन के दरवाजे से ऑगी को वहीं चिपका देता है। बॉब का घर काफी ज्यादा बड़ा था और ऑगी को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, वो ऑगी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। ऑली और ऑगी को काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, वो यहाँ शांति में आए थे लेकिन बॉब ने अनशांति मचा दी होती है, जिससे ऑगी और ऑली काफी ज्यादा दुखी होते हैं। बॉब रात में उन्हें सोने भी नहीं देता चैन से, उसके खर्राटों की वजह से ऑगी की नींद भी पूरी नहीं होती है। ऑगी और ऑली नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ऑगी के ऊपर पेड़ गिरता है और ऑगी पेड़ के नीचे दब जाता है। ऑली उसे रोकने लगती है, पेड़ काटने से मना करती है, लेकिन बॉब उसे धमका के भगा देता है और मजे से पेड़ काट रहा होता है, लेकिन ऑली काफी ज्यादा रो रही होती है। ऑली काफी ज्यादा उदास थी, जिससे ऑगी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है मेरी ऑली को रुलाया, और वो कॉकरोचों के पास जाता है और कॉकरोचों से कहता है अगर तुम बॉब को भगाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन तभी बॉब उस पेड़ को भी काट देता है, जिससे बिल्ला और कॉकरोच सभी दब जाते हैं उस पेड़ के नीचे, जिससे कॉकरोचों को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कॉकरोच बिल्ले की मदद करने को मान जाते हैं। जिसके बाद ऑगी बॉब को बुलाता है बाहर और बातों में लगाने लगता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारा सिगरेट पता चला है, लेकिन बॉब को कुछ भी समझ नहीं आता है। और वहीं कॉकरोच बॉब की गाड़ी में जाते हैं और बॉब की गाड़ी के इंजन में छेड़छाड़ करने लग जाते हैं, उसकी गाड़ी के सारे इंजन पिंजन हिला डालते हैं और उसकी गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। तभी बॉब देखता है उसकी गाड़ी भाग रही है अपने आप, और बॉब अपनी गाड़ी का पीछा करने लग जाता है, लेकिन कॉकरोच उस गाड़ी से निकल जाते हैं और बॉब अपनी गाड़ी को रोकने लगता है, और रोकने के चक्कर में बॉब सीधा पानी के अंदर जाकर गिरता है, जिस वजह से बॉब की गाड़ी डूब जाती है। और वहीं ऑगी और ऑली काफी ज्यादा खुश होते हैं, और कॉकरोच भी आजाद हो चुके थे, बॉब की गाड़ी डूब चुकी थी, इसलिए बॉब रोता रोता वहां से भाग जाता है और कहता है मैं घर जा रहा हूं अपने। अब बिल्ला और बिल्ली और साथ ही कॉकरोच सब साथ मिलकर टिकनिक का मजा ले रहे होते हैं। तभी झपलू नहाने के लिए जाता है और ऑगी भी अपना बदला लेने के लिए उसका बाथरूम का दरवाजा खोल देता है, जिससे झपलू की इज्जत का कचरा हो जाता है और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा बच्चों ये एपिसोड, कमेंट करके बताना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ऐसी बच्चों की वीडियोस चाहिए, किड्स कंटेंट चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।